प्रश्न एक युद्ध या झगड़े से बचे महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्णा दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने उनकी एक ना सुनी। अंततः युद्ध हुआ। युद्ध हो या झगड़ा, इसमें दोनों पक्ष का नुकसान होता है। किसी कम नुकसान होता है तो किसी का ज्यादा नुकसान होता है। महाभारत में दोनों तरफ के लोग मारे गए थे। आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग ज्यादा झगड़ा या विवाद करते हैं वे अशिक्षित और असफलता के शिकार हैं। जो लोग सफल हैं या सफलता के लिए प्रयासरत हैं वे फिजूल के झगड़े और विवाद से बचने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी झगड़े और विवाद से बचने का प्रयास करता है। झगड़ा आपके सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करता है। प्रश्न दो, कला प्रेमी भगवान श्री कृष्णा बांसुरी बजाते थे और उन्हें नृत्य भी करने आता था। कोई भी कला व्यक्ति के हृदय को प्रसन्न करता है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए हृदय का प्रसन्न रहना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रसन्नता से किया कार्य ही सबसे उत्तम और सबसे सुंदर होता है। इसलिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई कला जरूर आनी चाहिए। प्रश्न तीन, धर्म के मार्ग पर चलना या ईमानदार होना। भगवान श्री कृष्णा ने हमेशा धर्म का पालन किया है और सत्य का साथ दिया है। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन आपको यह शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। आज के दौर का उदाहरण ले तो जीवन में वो लोग जरूर सफल हुए हैं जो अपने कार्य को ईमानदारी और परिश्रम से किए हैं। झूठ की उम्र छोटी होती है, सत्य कभी नहीं मरता है। प्रश्न चार, क्रोध पर नियंत्रण। आपने जरूर सुना होगा कि क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाए वो इंसान पशु समान होता है। कई बार क्रोध में व्यक्ति ऐसा कार्य कर देते हैं जिसका पछतावा जीवन भर होता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयासरत है, उसे क्रोध दिलाने पर भी क्रोध नहीं आएगा। आपका क्रोध सफलता प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। प्रश्न पाँच, कर्म के फल का ज्ञान। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम या फल पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए बिना फल की चिंता किए इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। बहुत से लोग किसी कार्य को करने से पहले ही मान लेते हैं यह बड़ा कठिन है, इसका परिणाम नकारात्मक होगा और उस कार्य को नहीं करते हैं। और फिर कुछ वर्ष बाद देखते हैं उनसे काम बुद्धिमान व्यक्ति बड़े ही कुशलता से उस कार्य को कर रहा है। समय बड़ा ही अफसोस और आत्मग्लानि होती है। आपके कर्म में इतनी शक्ति होनी चाहिए ईश्वर आपके इच्छा के अनुसार फल देने को मजबूर हो जाए। प्रश्न छह, सच्चा प्रेम होना। राधा कृष्णा का प्रेम कितना पवित्र और सच्चा है हम सभी जानते हैं, क्योंकि उनका प्रेम आत्मिक और आध्यात्मिक था। सच्चे प्रेम से जीवन में खुशी और उत्साह बढ़ता है, तो आपको सफल बनाने में मदद करता है। आज के दौर में ज्यादातर व्यक्ति को अपने स्वार्थ से प्रेम है, इसलिए वह प्रेम में निराशा, असफलता, दुख, पीड़ा, उदासी, अकेलापन आदि प्राप्त करता है। जिनका प्रेम सच्चा होता है उन्हें सुख और सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न सात, मन पर नियंत्रण। मन पर इंसान का नियंत्रण होना आवश्यक है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल होता है। चंचल मन या अनियंत्रित मन शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मन को जीत सकता है वो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में रखता है उसे सफलता भी जल्दी ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा महंगी कार में घूमने की है तो पहला तरीका है परिश्रम और ईमानदारी से खुद को उस योग्य बनाएं और कार को खरीदें। इसमें समय लगेगा और यह तभी संभव होगा जब मन आपके नियंत्रण में हो। अगर मन आपके नियंत्रण में नहीं होगा तो आप कार को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहेंगे और इसके लिए गलत मार्ग का चुनाव करेंगे, जो बाद में आपके दुख और पछतावे का कारण बनेगा। प्रश्न आठ, तनाव से मुक्ति। तनाव और चिंता मनुष्य के पुरुषार्थ को नष्ट करता है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में तनाव मुक्त होना चाहिए। तनाव और चिंता ही असफलता का कारण बनता है। ज्यादातर वही लोग तनाव रहते हैं जो बुरे कर्म करते हैं। ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ज्यादातर व्यक्ति तनाव मुक्त होते हैं। उनके हृदय में प्रसन्नता और उत्साह होता है जो उन्हें सफल बनाता है। प्रश्न नौ, दूरदर्शिता का होना। अगर आप कृष्णा लीला या महाभारत को देखेंगे तो श्री कृष्णा की दूरदर्शिता के बारे में जान पाएंगे। महाभारत में समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसके समाधान का उपाय सोच लेते हैं। यह श्री कृष्णा की दूरदर्शिता ही थी, इसकी वजह से पांडव मुट्ठी भर सेना लेकर विजयी हुए।
ऐसे ही हर व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शिता आपके आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाता है। यह सफलता प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। प्रश्न 10, रणनीति का होना। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सफल की एक रणनीति बनानी होगी, क्योंकि बिना किसी रणनीति या स्ट्रेटेजी के कार्य करना मुश्किल हो जाता है और सफलता प्राप्त करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्णा की रणनीति की वजह से ही महाभारत के युद्ध में कौरव विजयी हुए थे। जय श्री कृष्णा।